लूट की घटना में वांछित 15,000 के इनामी बदमाश को सैजनवा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सैजनवा थाना क्षेत्र के जोड़ियान निवासी टिंकू उर्फ अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र पप्पू उर्फ संतोष श्रीवास्तव के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाड़ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ सैजनवा थाना क्षेत्र में मुर्गी व्यापारी से 5,00,000 रुपए लूट लिए थे, जिसमें इसके सभी साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ये काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे शुक्रवार को सैजनवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहवाल ने बताया, उसके यहाँ काम करते थे, उन्होंने प्लान बनाया, पैसा वैसा आता जाता तो उसी में तो उसके यहाँ नौकरी करते थे। क्या करते थे? गाड़ी चलाते। 10,000 हमसे 1,00,000 बता रहे हैं। हाँ, लूटे के लग क्यों हुई है? हाँ सर, जो पेपर में आया था मालूम है, 5,00,000 चाहिए। थाना सैजनवा में फरवरी माह में एक मुर्गा व्यापारी था, उसके पास से लगभग 5,40,000 रुपये की, उसमें 6 लोगों ने मिलकर डकैती की थी और उसके पैसा जो है लूट लिया था। इसमें जो पहले जो इसमें कुछ लोग पहले ही जेल जा चुके हैं, और इसके बाद जो एक इसमें अपराधी था जो फरवरी माह से फरार चल रहा था, उसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था, अभिषेक श्रीवास्तव उसका नाम है, तो उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है और उसको उसी घटना के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से नहीं, क्योंकि पहले जो और अन्य लोग थे उनके पास से पैसे बरामद हो चुके थे, और ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था, तो इसको आज ही इसमें गिरफ्तार किया गया है। पहले इसके ऊपर जो मामला है वो डकैती का है और साथ में आर्म्स एक्ट का मामला है, तो वही इसका इतना ही आप, क्योंकि वो उस फर्म में ही वहाँ पर काम भी करता था उसी फर्म में।